Good morning, children. We are going to start our first lesson, Black Beauty. So, पहले इस lesson के writer के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इस lesson के writer हैं Anna Sewell. अब Anna Sewell कौन थी? She was a English novelist और जो कि अपनी Black Beauty novel के लिए जो उन्होंने 1877 में publish की थी उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. इन्हें एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था और ये बिल्कुल अगेंस्ट थी किसी भी तरीके की क्रुएलिटी जो जानवरों के साथ होती है उसके, और उनकी इसी डिज़ायर ने उन्हें इस नॉवल को लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया. नाउ लेट्स सी कि इस चैप्टर में है क्या. Black Beauty is about a handsome black horse who tells the story of his life in his own words. अब ये Black Beauty एक handsome से black horse की कहानी है जो वो अपनी जुबानी खुद सुना रहा है. This extract is about how he began his carefree life as a colt. अब ये वो कहानी है जिसमें पता चल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी एज अ हॉर्स कैसे स्टार्ट करी थी, और उस हॉर्स का नाम क्या था? डाकी. ऑन एन इंग्लिश फार्म एंड हिज मदर प्रिपेयर्ड हिम टू वर्क बिफोर ही सोल्ड आउट. और उसकी माँ ने उसे कैसे तैयार किया, उसे कैसे उसका काम सिखाया उसके बेचे जाने से पहले, इससे पहले कि वो बिकता, उसकी माँ ने उसे उसका काम करना कैसे सिखाया. ये सारी कहानी हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो With a pond of clear water in it. आप उसको वो पहला प्लेस जो उसे रिमेम्बर है, उसे याद है, वो क्या है? एक बड़ा सा खेत, एक मीडो क्या हो, लार्ज प्लेजेंट मेडो विथ अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. आप उसको वो पहला प्लेस जो उसे रिमेम्बर है, उसे याद है, वो क्या है? एक बड़ा सा खेत, एक मीडो क्या होता है, एक तरीके का लार्ज ग्रास लैंड टाइप का एक खेत है जहाँ पे एक पॉन्ड था क्लियर वाटर का. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, जिसमें कि कम बहुत घने घने पेड़ जो थे उस पेड़ उसमें छाया करे हुए थे उस पॉन्ड के ऊपर. एंड रशेस, रशेस क्या होता है, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसकी स्टेम जो होती है वो पत्तियों की तरह के स्टेम्स होती हैं. एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, और उस पॉन्ड में वाटर लिलीज लगे हुए थे चारों किनारों पे. ओवर द हेज ऑन वन साइड ही लुक्ड इनटू अ प्लॉट फील्ड, और उसके एक साइड पे प्लॉट फील्ड था. प्लॉट फील्ड क्या होता है, ये पुरानी स्पेलिंग है प्लाव की. प्लाव क्या होता है, मतलब जो खेत जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, अनाज उगाए जाते हैं, उस फील्ड की पुरानी स्पेलिंग है ये प्लॉट. पहले अभी जो PLOUGHED लिखा जाता था वो पहले PLOWED लिखा जाता था. तो एक साइड में एक उपजाऊ तरीके की जमीन है जहाँ पे अनाज और सब्जियाँ उगाई जाती हैं जाती थी. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आर मास्टर फार्मर्स ग्रेस हाउस, और दूसरे एंड पे क्या दिखता था, दूसरे एंड पे एक गेट था बड़ा सा जो कि उस ग्रासलैंड का, उस खेत का जो फार्मर था वहाँ पे उसका घर का गेट दिखाई दिया करता था. विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड साइड के किनारे था, सड़क के किनारे था. एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फिर ट्रीज एंड था. एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फिर ट्रीज एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवरहंग बाय अ स्टीम बैंक. अब ब्रूक ओवरहंग क्या होती है, अ स्ट्रीम ओवरशैडोड बाय, मतलब अब उस मीडो के, उस खेत के एक साइड पे क्या दिखाई दिया जाता था, एक मतलब बहुत घना घने फिर के पेड़ से ढका हुआ एक बॉटम था, और दूसरे तरफ पे एक झरने टाइप का बहता था जो कि उस स्टीप बैंक में जाके, मतलब एक किनारे पे जाके मिला किया करता था. While I was young, I lived upon my mother's milk. जब वो यंग था, जब वो अपनी माँ के दूध को पिया करता था, लाइक जब वो अपनी मदर को फीड किया करता था. As I could not eat grass, यानी कि ये तब की बात है जब वो घास नहीं खा सकता था. As soon as I was old enough to eat grass, अब जब मैं बड़ा हुआ, घास खाने लायक हुआ, my mother would go out to work in the daytime and come back in the evening. उसकी माँ दिन के समय काम पे जाया करती थी और इवनिंग में वापस आया करती थी. देयर वर सिक्स यंग कॉट्स इन द मीडोज बिसाइड मी, उसके अलावा भी छह और घोड़ों के बच्चे वहाँ पे थे. दे वर ओल्डर देन आई वॉज, वो सारे घोड़ों के बच्चे इससे बड़े थे. यहाँ पे आए कौन है, डाकी द ब्लैक हॉर्स. सम नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, और कुछ इतने बड़े थे कि ऐसा लगता था कि पूरे बड़े घोड़े हैं वो. We had great fun. हम बहुत साथ में मजे किया करते थे. We used to gallop all together round and round the fields as hard as we could go. अब वो इकट्ठा होकर दौड़ लगाया करते थे फील्ड्स के चारों तरफ दौड़ कुड गो. अब वो इकट्ठा होकर दौड़ लगाया करते थे फील्ड्स के चारों तरफ दौड़ लगाया जितनी वो लगा किया सकता किया करते थे.
कर सकते थे. समटाइम्स वी हैड अ रादर रफ प्ले फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलॉप. आप कभी कभी तो वो इतना ज्यादा रफली खेला करते थे कि वो एक दूसरे को किक किया कर दिया करते थे या फिर काट भी लिया करते थे. वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग माय मदर नाउ वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग माय मदर वेंट टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू. अब एक दिन जैसे कि वो हमेशा खेला करते थे मतलब चिल्ला के एक दूसरे को किक करके बाइट करके वो वैसे ही खेल रहे थे. उसकी मदर ने उसे बहुत कस के चिल्ला के बुलाया. वेंट मतलब टू शाउट लाउडली. चिल्ला के उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम इधर आओ मेरे पास आओ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात पर ध्यान दो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ. द कॉट्स हू लिव हियर आर वेरी गुड कॉट्स. ये जो कॉट्स यहाँ रहते हैं ये बहुत अच्छे घोड़े हैं. बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉट्स. लेकिन ये जो घोड़े हैं ये कार्ट हॉर्स हैं. कार्ट हॉर्स क्या होते हैं जो बग्घी के आगे घोड़े लगाए जाते हैं ये वो वाले घोड़े हैं. एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स. और इसी वजह से इनको मैनर्स बिल्कुल नहीं है. यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न. तुम एक बहुत अच्छी ब्रीड के और बहुत अच्छी परवरिश दिए हुए घोड़े हो. योर फादर हैज अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स. और तुम्हारे फादर का बहुत नाम है इस फील्ड में. एंड योर ग्रैंड फादर वन द कप ऑफ टू ईयर्स एट द न्यू मार्केट रेसेस. और तुम्हारे ग्रैंड फादर ने दो साल तक कप जीता था न्यू मार्केट रेसेस में. योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स. और तुम्हारी ग्रैंड मदर को कहा जाता था कि उनका सबसे अच्छा नेचर था सबसे स्वीटेस्ट टेम्पर था सारे हॉर्सेज में से. I ever knew, then I think you have never seen me kick or bite. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने मुझे भी कभी भी किक करते. या बाइट करते नहीं देखा होगा. आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड. मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े होने में काफी अच्छे जेंटल और गुड बन के बड़े होगे. एंड नेवर लर्न बैड वेज. और तुम कभी कोई गलत चीज नहीं सीखोगे. डू योर वर्क विद अ गुड विल. अपना काम अच्छे से करो अच्छी तरीके से करो. लिफ्ट योर फीट अप. अपने फीट्स को उठा के चलो. वेल व्हेन यू ट्रॉट. जब भी तुम मूव करते हो अपने फीट्स को उठा के बहुत शान से चलो. एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले. और कभी भी खेलते समय भी कभी किसी को बाइट मत करो और किक मत करो. आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस. और मैं कभी भी उसके बाद अपनी माँ की एडवाइस को नहीं भूला. हर नेम वॉज डचेस. बट मास्टर ऑफन कॉल्ड हर पेट. जो उनका नाम क्या था डकेस नाम था. बट उसके मास्टर हमेशा उसको हर पेट बोला करते थे. शी वॉज अ वाइस ओल्ड हॉर्स. वो एक बहुत अच्छी बूढ़ी घोड़ी थी. एंड आ मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर. और मेरे मास्टर जो थे उन्हें बहुत अच्छी ग्रेट डील समझा करते थे. उनके लिए वो बहुत अच्छी डील भी थी. बहुत अच्छी डील साबित होती थी. मे बी वो हमेशा रेसेस में फर्स्ट आती हो और बहुत अच्छा उसका एटीट्यूड हो. आ मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन. हमारा जो मास्टर था वो एक बहुत अच्छा बहुत काइंड मैन था. ये वो घोड़ा बता रहा है. ही गेव अस गुड फूड गुड लॉगिंग एंड काइंड वर्ड्स. वो हमें अच्छा खाना दिया करता था. हमारे लिए बहुत ज्यादा बोझ वाला अच्छा सामान भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें. ही गेव अस गुड फूड गुड लॉगिंग एंड काइंड वर्ड्स. वो हमें अच्छा खाना दिया करता था. हमारे लिए बहुत ज्यादा बोझ वाला अच्छा सामान भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनके लिए अरेंज करके रखता था. गुड लॉगिंग मतलब बहुत हैवी सामान भी नहीं देता था. और अच्छे शब्दों में उससे बात भी किया करता था. ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन. वो हमसे उतने ही प्यार से बात करता था जितना वो अपने बच्चों से प्यार से बात किया करता था. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच. हम सब उससे बहुत प्यार किया करते थे और मेरी माँ तो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार किया करती थी. When she saw him at the gate, she would knee with joy and trot up to him. और मेरी माँ जब भी उन्हें गेट पे आते हुए देखा करती थी वो बहुत प्यार से नहीं करके नहीं जो अगड़े की आवाज़ होती है वैसे चिल्ला के खुशी से आवाज़ निकाला करती थी. और trot up मतलब अपने वैसे ही पैरों को आगे की तरफ से उठा के उसकी तरफ भाग के जाया करती थी. He would pat and stroke her and say, well old pet and how is your little ducky. और वो हमेशा उन्हें pat करके और स्ट्रोक करके बहुत अच्छे से प्यार से हाथ फेरते उसके ऊपर पूछा करता था. वेल ओल्ड पेट. वो क्योंकि उसकी माँ को ओल्ड पेट से नाम से बुलाता था तो वो बोलता था वेल ओल्ड पेट हाउ इज योर लिटिल डाकी. तुम्हारा लिटिल डाकी कैसा है.
आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डाकी, और मैं एक बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का था इसलिए वो उसने मेरा नाम डाकी रखा हुआ था. ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, वो मेरे लिए पीस ऑफ ब्रेड लाया करता था और कभी कभी मेरे माँ के लिए गाजर भी लाया करता था. ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी व हिज फेवरेट, सारे घोड़े उसके पास, वी व हिज फेवरेट, सारे घोड़े उसके पास आया करते थे बट मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों उसके फेवरेट्स थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, अब मेरी माँ हमेशा उसे टाउन के मार्केट में ले जाया करती थी, मतलब वो उसकी माँ के ऊपर बैठ के जाया करता था. और कैसे बैठा करता था, गिग क्या होती है, जो कि उसके ऊपर वो नहीं लगाया जाता है, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए दोनों तरफ पैर रखने वाला होता है और उसके ऊपर बैठा जाता है, उसी तरीके का एक कैरेज उसकी पीठ पे बंधा होता था जिसमें बैठ के वो माँ के ऊपर मार्केट में जाता था, कौन, जो उनके मास्टर थे. देयर वॉज अ प्लग बॉय, वहाँ पे एक खेत में काम करने वाला लड़का भी था, डिक, हु समटाइम्स केम इन टू आर फील्ड, जो कभी कभी हमारे खेत में भी आया करता था, टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज, जो कि ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए वो आता था, ब्लैकबेरी के पेड़ों पे से, डालों पे से चढ़ के तोड़ा करता था. व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड ही वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कॉट्स, थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम टू मेक देम गैलप. अब वो क्या किया करता था, जब वो अपने मन पर के पेट भर के अपने वो ब्लैकबेरीज को पेड़ पे चढ़ के खा चुका होता था, तो वो मस्ती करने के लिए जो छोटे छोटे पत्थर होते थे, स्टिक्स होती थी, वो इन घोड़ों के ऊपर फेंका करता था, जिससे वो हिन हिना की आवाज़ निकालते थे, इधर उधर छटक छटक के दौड़ते भागते थे, उसको ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था. वी डिड नॉट मच माइंड हिम, हम उसे ज़्यादा माइंड भी नहीं किया करते थे, फॉर वी कुड गैलप ऑफ, हम सिर्फ वहाँ से भाग के हट जाया करते थे. बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, और कभी कभी वो जो पत्थर होता था जो वो हमारी तरफ फेंकता था, उससे हम माइंड भी नहीं किया करते थे, फॉर वी कुड गैलप ऑफ, हम सिर्फ वहाँ से भाग के हट जाया करते थे. बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, और कभी कभी वो जो पत्थर होता था जो वो हमारी तरफ फेंकता था, उससे हमें लग भी जाया करती थी और चोट भी लग जाती थी. वन डे ही वॉज एट हिज गेम एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, अब एक दिन वो इसी तरीके से खेल रहा था और उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मास्टर जो है वो नेक्स्ट फील्ड में है, वॉचिंग वॉट वॉज गोइंग ऑन, और वो सब कुछ देख रहे थे जो हो रहा था. ओवर द हेज ही जम्पड इन अ स्नैप एंड कॉट डिक बाय हिज आर्म, अब वो अपनी हेज से वो जो बाड़ी थी वहाँ से कूद के आया अचानक से, उन्होंने सडनली डिक का हाथ से पकड़ लिया. एज सून एज वी सॉ द मास्टर ही वी ट्रॉटेड अप नियरर टू सी वॉट वेंट ऑन, और जैसे हम ने उन मास्टर को ऐसे करते देखा, हम सब वहां भाग के गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है. बैड बॉय ही सेड, उसने कहा गंदे लड़के. देन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नॉट द सेकेंड बट इट शैल बी द लास्ट, और ये तुम्हारा पहला और दूसरा या आखिरी बार नहीं, ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा जो तुमने आज किया है उसके लिए. देर टेक योर मनी एंड गो होम, उसने उसे पैसे दिए और कहा यहाँ से चले जाओ अपने घर वापस. आई शेल नॉट वॉन्ट यू इन माई फार्म अगेन, और मैं तुम्हें दोबारा अपने खेत में देखना नहीं चाहता हूँ. सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, फिर उसके बाद हम लोगों ने कभी डिक को दोबारा वहाँ नहीं देखा. दिस इज ऑल फॉर टूडे, वील कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो.